हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्रम पब्लिक स्कूल्स यूट्यूब चैनल। आई एम डिंपल बेदी हियर विद द न्यू चैप्टर, चैप्टर 5, बेसिक ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट ऑफ क्लास 6। दिस इज़ द इंट्रोडक्शन वीडियो जिसमें हम एक्सरसाइज 5.1 और उसके पहले के सारे कॉन्सेप्ट और टॉपिक्स को क्लियर करेंगे। ज्योमेट्री इज़ अ ब्रांच ऑफ मैथ्स वेयर वी डिस्कस अबाउट दी शेप्स, लेंथ, पोजिशन, पॉइंट्स, एंगल एक्सेट्रा। नाउ द बेसिक यूनिट ऑफ ज्योमेट्री इज़ अ पॉइंट। पॉइंट हमें किसी जगह की लोकेशन बताता है और इसकी कोई भी लेंथ और थिकनेस नहीं होती। नाउ वी हैव लाइन, लाइन सेगमेंट एंड रे। फर्स्ट आई डिस्कस अबाउट लाइन। लाइन की फिक्स लेंथ नहीं होती, इसे दोनों तरफ एरो लगाकर रिप्रेजेंट करते हैं। और लाइन सेगमेंट की फिक्स लेंथ होती है, इसे दोनों तरफ पॉइंट लगा के रिप्रेजेंट करते हैं। एंड रे में वन पॉइंट फिक्स होता है और सेकंड पॉइंट की कोई लेंथ फिक्स नहीं होती, इसको वन साइड पॉइंट और अदर साइड एरो लगाकर रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ व्हाट इज़ द प्लेन। प्लेन में लेंथ और ब्रेथ होती है लेकिन कोई भी थिकनेस नहीं होती। जो बेसिक टू डायमेंशनल शेप्स होती हैं वो सारी प्लेन के अंदर आती हैं। नाउ प्रॉपर्टीज़ ऑफ पॉइंट एंड लाइन्स इन अ प्लेन। एन अनलिमिटेड नंबर ऑफ लाइन्स कैन बी ड्रॉन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट। इट मीन्स किसी भी दिए हुए पॉइंट से हम अनलिमिटेड नंबर्स ऑफ लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं, बहुत सारी लाइन्स को ड्रॉ कर सकते हैं। देयर इज़ एग्जैक्टली वन लाइन पासिंग थ्रू टू डिस्टिंक्ट गिवन पॉइंट्स इन अ प्लेन। इट मीन्स प्लेन में जब दो पॉइंट्स दिए हुए होते हैं तो उनमें से सिर्फ एक ही लाइन पास हो सकती है। टू डिफरेंट लाइन्स इन अ प्लेन आइदर इंटरसेक्ट एट एग्जैक्टली वन पॉइंट और आर पैरेलल। इट मीन्स प्लेन में दो लाइन्स जो होती हैं या तो वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं या वो पैरेलल लाइन्स होती हैं। इंटरसेक्टिंग लाइन्स वो होती हैं जो किसी एक पॉइंट पर मीट करती हैं। देर आर टू लाइन्स एम एंड एल एंड दे आर मीट एट द पॉइंट पी, सो दीज आर इंटरसेक्टिंग लाइन्स। पॉइंट पी सेट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और पैरेलल लाइन्स वो लाइन्स होती हैं जो कभी मीट नहीं करती और इनके बीच का डिफरेंस हमेशा सेम रहता है। थ्री और मोर पॉइंट्स इन अ प्लेन आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स इफ एंड ओनली इफ ऑल ऑफ देम लाई ऑन द सेम लाइन। इट मीन्स तीन या उससे ज़्यादा पॉइंट्स आपस में कोलिनियर कहलाते हैं अगर वो सेम लाइन में हो। इन दिस फिगर ए बी सी आर द कोलिनियर पॉइंट्स ऑफ लाइन एल, बट द सेकेंड फिगर ए बी एंड सी आर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ऑफ लाइन एल। कॉन्करेंट लाइन्स। थ्री और मोर लाइन्स आर कॉल्ड कॉन्करेंट लाइन्स इफ एंड ओनली इफ ऑल ऑफ देम पासिंग थ्रू एट द सेम पॉइंट। इट मीन्स अगर एक ही पॉइंट से थ्री या उससे ज़्यादा लाइन पास होती हैं तो उसे कॉन्करेंट लाइन्स बोलते हैं। दीज आर द बेसिक कॉन्सेप्ट्स बिफोर द एक्सरसाइज 5.1। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 5.1। एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मेनी लाइन्स कैन बी ड्रॉ थ्रू अ गिवन पॉइंट। इट मीन्स एक दिए हुए पॉइंट से हम कितनी लाइन्स ड्रॉ कर सकते हैं। एज वी अर्लियर डिस्कस दैट इफ देयर इज़ वन पॉइंट वी कैन ड्रॉ अनलिमिटेड नंबर ऑफ लाइन्स। क्वेश्चन नंबर 2 इज हाउ मेनी लाइन्स कैन बी ड्रॉन थ्रू टू डिस्टिंक्ट गिवन पॉइंट्स। इट मीन्स दो अलग अलग पॉइंट से कितनी लाइन ड्रॉ हो सकती हैं। हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जब दो पॉइंट्स दिए हुए हों तो सिर्फ एक लाइन ड्रॉ हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी लाइन्स कैन बी ड्रॉन थ्रू थ्री कोलिनियर पॉइंट्स। थ्री कोलिनियर पॉइंट्स को मिलाने के लिए सिर्फ एक ही लाइन ड्रॉ हो सकती है, और अगर यहाँ पर 4 या 5 या उससे भी ज़्यादा कोलिनियर पॉइंट्स होते तो हम सिर्फ एक ही लाइन ड्रॉ कर सकते क्योंकि पॉइंट्स कोलिनियर हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें आपको 3 पॉइंट्स मार्क करने हैं और फिर इनसे लाइन ड्रॉ करनी है। तो कौन कौन सी लाइन ड्रॉ होंगी, तो लाइन ए बी, बी सी एंड सी ए, 3 लाइन्स हम ड्रॉ कर सकते हैं विद दी हेल्प ऑफ पॉइंट ए बी एंड सी। क्वेश्चन नंबर 5 इज लुक एट द फिगर एंड नेम देम। सो फर्स्ट पॉइंट पार्ट इज 5 पॉइंट्स। सो 5 पॉइंट्स आर ओ बी सी डी ई। नाउ सेकेंड पार्ट अ लाइन। अ लाइन मीन्स जिसे हम
दोनों साइड एरो लगा के रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सो लाइंस आर डी ई, डी ओ, डी बी, ई ओ एक्सेट्रा. थर्ड पॉइंट इज फोर रेस. इट मीन्स वन साइड पॉइंट एंड वन साइड एरो. सो डी बी, डी ई, ओ बी, ओ ई, ई बी एक्सेट्रा. इसमें आपको वन साइड पॉइंट और वन साइड एरो लगाना है. एंड फोर्थ पार्ट इज फाइव लाइन सेगमेंट. इट मीन्स दोनों तरफ के फिक्स पॉइंट. सो डी ई, डी ओ, ई ओ, ओ बी, ई बी एक्सेट्रा. क्वेश्चन नंबर सिक्स इज यूज द एडजॉइंट फिगर टू नेम. फर्स्ट पार्ट इज लाइन कनेक्टिंग पॉइंट ई. सो ई को कनेक्ट करने वाली लाइंस का नेम बताना है. सो एग्जाम सॉल्यूशन इज ए ई एक्सेट्रा. सेकेंड पार्ट इज लाइन पासिंग थ्रू ए. ए से पास होने वाली लाइंस. सो इट इज ऑल्सो ए ई एक्सेट्रा. एंड द थर्ड पार्ट इज लाइन ऑन विच पॉइंट ओ लाइज. मीन्स वो लाइन जिस पर पॉइंट ओ है. तो वो कौन सी लाइन है जिस पर पॉइंट ओ है? हम उसे सी ओ और ओ सी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. फोर्थ पार्ट इज टू पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन्स. इट मीन्स हमें इंटरसेक्टिंग लाइन्स के टू पेयर्स के बारे में बताना है. सो फर्स्ट पेयर होगा सी ओ और ए ई का. ये बी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं. और सेकेंड पेयर होगा ए ई और ई एफ का. ये दोनों पॉइंट ई पर इंटरसेक्ट कर रही हैं. क्वेश्चन नंबर सेवन. लुक एट द फिगर एंड राइट द कोलिनियर पॉइंट्स. सो देयर आर ए डी सी आर कोलिनियर पॉइंट्स एट लाइन क्यू एंड बी डी ई आर कोलिनियर पॉइंट्स एट लाइन एन. क्वेश्चन नंबर एट. फर्स्ट पार्ट इज ऑल पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस. सो लुक एट द फिगर. एल और एम, एल और एन, एम और एन, इसमें थ्री पेयर्स ऑफ पैरेलल लाइंस हैं. सेकेंड पार्ट इज ऑल पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस. सो इंटरसेक्टिंग लाइंस है एल पी, एम पी, एन पी, एल क्यू, एम क्यू, एन क्यू, एल आर, एम आर, एन आर, पी क्यू, पी आर, क्यू आर. ये लाइंस आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं. थर्ड पार्ट इज कॉन्कुरेंट लाइन. मीन्स एक ही पॉइंट से निकलने वाली लाइन है. तो यहाँ पर हम पॉइंट लेंगे ए और उसमें से जो लाइंस निकल रही हैं वो हैं आर और एन. पार्ट फोर इज कोलिनियर पॉइंट्स. सो फर्स्ट राइट द लाइंस एंड देन वी राइट देयर कोलिनियर पॉइंट्स. सो सी आई ई आर द कोलिनियर पॉइंट्स ऑन लाइन एल. बी ई एफ आर कोलिनियर पॉइंट्स ऑन लाइन एम. डी ई एफ जी आर कोलिनियर पॉइंट्स ऑफ लाइन पी. ए बी सी आर कोलिनियर पॉइंट्स ऑन लाइन क्यू एंड ए एच आई डी आर कोलिनियर पॉइंट्स ऑन लाइन आर. क्वेश्चन नंबर नाइन. देयर आर थ्री फिगर्स एंड दे आर आस्किंग फॉर द काउंट द नंबर्स ऑफ लाइन सेगमेंट. सो इन फिगर फर्स्ट देयर आर सिक्स लाइन सेगमेंट ए बी, ए सी, ए डी, बी सी, बी डी एंड सी डी. And the figure second, there are 10 line segments. And in the figure 3, there are 8 line segments. Write their name from this solution. Question number 10, first part is, name all the rays shown in the following figure whose initials points are A, B, C respectively. It means हमें A, B और C से start होने वाले rays के नाम लिखने हैं. So the names are AB, AC, AD, AE. ये A point से शुरू हो रही हैं rays और B से start होने वाली rays हैं BC, BD, BA, BE. And C point से rays start हो रही हैं CD, CB, CA, CE. The second part is ray AB different from the ray AD? Means क्या ray ए बी ए डी से डिफरेंट है? आंसर इज नो, बिकॉज दोनों का सेम ओरिजिन पॉइंट है ए. दोनों एक ही पॉइंट से निकल रही हैं. सो बोथ रेज आर सेम. पार्ट थ्री इज रेज सी ए डिफरेंट फ्रॉम रेज सी ई? नो, बोथ आर सेम बिकॉज बोथ ओरिजिन पॉइंट इज सेम पॉइंट सी. मीन्स दोनों सी पॉइंट से ही निकल रही हैं तो दोनों सेम है. पार्ट फोर इज
Is ray B A different from ray C A? Yes, both are different because इनका जो starting point है वो अलग अलग है. Part 5 is ray E D different from ray D E? Yes, it is different because इनके भी origin point जो अलग अलग हैं. E D ray point E से निकल रही है और D E ray point D से निकल रही है. So these are different rays. Question number 11 is true false based on basic chapter. So do this question in your book by yourself only. I hope that you will be understand this video. If you have any doubt, you can contact me on my personal WhatsApp number. Thank you for watching this video. Please subscribe the channel and like my video.